बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे का भावार्थ है कि संत कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई बड़ा है और वह उपयोगी नहीं है तो उसके बड़े होने का क्या फायदा। जैसे खजूर का पेड़ काफी ऊंचा बड़ा होता है, लेकिन उसके फल इतनी ऊंचाई पर लगते हैं जिन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है, और उसकी छाया का भी कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण जमीन पर उसकी छाया आती नहीं है जिससे कोई पंथी सहारा ले सके। ऐसे ही यदि कोई ज्ञानी जो अपने आप को बड़ा घोषित करता है और यदि उसके ज्ञान से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है तो समझे कि उसका ज्ञान व्यर्थ है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे का भावार्थ है कि संत कबीर दास जी कहते हैं, वाणी शीतल होनी चाहिए। शीतल वाणी जहाँ स्वयं को सुख और शीतलता का अनुभव करवाती है, वहीं पर दूसरों को भी शीतलता देती है। भाव है कि वाणी की मधुरता अत्यंत ही आवश्यक है। जिसकी वाणी में मधुरता होती है वह सभी के दिल जीत लेता है। अन्य स्थान पर कबीर साहब की वाणी है कि कोयल किसी को क्या देती है और कौवा किसी का क्या छीन लेता है, लेकिन चूंकि कौवा मधुर नहीं बोलता इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। इस दोहे में संत कबीर दास जी एक और ये संकेत भी करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब कि जो वाणी बोल रहा है उसके मन का आपा खो गया, मतलब उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है, और फिर वो जो भी वाणी बोलेगा वो शीतल वाणी ही होगी, मतलब कि वो सत्य वचन ही होंगे, और जो सत्य वचन होते हैं वो औरों को भी शीतलता प्रदान करते हैं, मतलब सच्चाई की तरफ बढ़ाते हैं। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदले जाए। इस दोहे में संत कबीरदास जी बताते हैं, हम आलस्य में और माया के भ्रम जाल में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को समाप्त कर देते हैं, जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति हीरे को कोड़ी में बदल कर रख देता है। भाव है कि यह जीवन हीरे के समान अमूल्य है जिसका महत्व समझना चाहिए, इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस दोहे का भावार्थ है कि हमें यह जीवन किस लिए मिला है, करोड़ों जतन के उपरांत, असंख्य योनियों में भटकने के उपरांत यह मानव देह मिली है, तो इसे बर्बाद क्यों किया जाए, इसका उद्देश्य क्या है। हरि भजन, ईश्वर की भक्ति, स्तुति और वंदन करते हुए नेक राह का चयन करना ही इस जीवन का मूल उद्देश्य है। माया के भ्रम को समझे कि कैसे यह हरि मार्ग से जीव को विमुख करती है। प्रेम प्रेम कोई सब कहे, प्रेम न बुझे कोई, आठ पहर भीगा रहे प्रेम कहाए सोए। इस दोहे का भावार्थ है कि संत कबीर दास जी बताते हैं, यह प्रेम सांसारिक नहीं है, किसी लालच तृष्णा से प्रेरित भी नहीं है। यह ऐसा प्रेम है जो बदले में कुछ नहीं चाहता है, बस समर्पण की मांग करता है। इस प्रेम को समय विशेष में भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह प्रेम सतत और सार्वभौमिक भी है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही वास्तविक प्रेम है, जिसे सामान्य रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह जरा समझने वाली बात है, जहाँ सांसारिक प्रेम बदले की भावना रखता है, बदले में कुछ प्राप्त करना चाहता है, वहीं पर कबीर साहब का प्रेम ऐसा है जो निस्वार्थ है। भाव है कि ईश्वर के प्रेम में जो व्यक्ति लीन रहता है उसे ही प्रेम कहा जा सकता है। उठा बगुला प्रेम का तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला तिनका तिनके पास। इस दोहे का शब्दार्थ है, बगुला मतलब मन चित्त, तिनका मतलब आत्मा या हल्का,
इस दोहे का भावार्थ है कि संत कबीर दास जी बताते हैं, जब चित हरि सुमिरन में लग जाता है तो वह तिनके की तरह हल्का हो उठता है और आकाश में उड़ने लग जाता है। यह तिनका मतलब आत्मा पूर्ण परमात्मा से मिल पाती है। भाव है कि आत्मा जिसने पूर्ण परमात्मा का अंश है वह उससे मिल पाती है। आत्मा मतलब मन के जागृत हो जाने पर अन्य सभी वासनाएं शांत हो जाती है और वह तिनके के समान हल्का हो जाता है। तिनका तिनके के पास पहुंचने से भाव है कि आत्मा परमात्मा में समा चुकी है। पाहन केरा पूतला करी पूजे करतार, इही भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। इस दोहे का शब्दार्थ है पाहन केरा पूतला मतलब पत्थर का पुतला, करी पूजे करतार मतलब ईश्वर समझकर इसकी पूजा करते हैं, इही भरोसे जे रहे मतलब इनके भरोसे जो रहता है, ते बूढ़े काली धार मतलब वह काल की धारा में डूब जाता है। इस दोहे का भावार्थ है संत कबीर दास जी बताते हैं कि पत्थर को जो ईश्वर समझते हैं, पत्थर के पुतले को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करते हैं, उनके ऊपर कबीर साहब की वाणी है कि जो पत्थर की पूजा करते हैं पत्थर को ही ईश्वर समझ लेते हैं, वे यदि इसी भरोसे पर रहे तो अवश्य ही काल की धारा में बह जाते हैं। इस साखी में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। मूर्ति पूजा एक तरह का पाखंड है जिससे व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मुक्ति तो सच्ची भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। सच्ची भक्ति से कबीर साहब का आशय है कि तमाम तरह के कर्मकांड का त्याग करके हृदय से हरि के नाम का सुमिरन ही मुक्ति का मार्ग है। तीर्थ करना, मूर्ति पूजा आदि दिखावे की भक्ति है जिसका वास्तविक भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। मूर्ति पूजा से पंडित को भले ही आर्थिक लाभ मिल जाए लेकिन साधक को कोई फायदा नहीं होने वाला। अजरता सुख सोवना राते नींद ने आई, जू जल टूटे मछली यू बेलंत विहाई। इस दोहे का शब्दार्थ है कि अजरता सुख सोवना मतलब जो ईश्वर से विरक्त है, राते नींद ने आई मतलब रात्रि को भी नींद नहीं आती है, जू जल टूटे मछली मतलब जैसे जल के अभाव में मछली तड़पती है, यू बेलंत विहाई मतलब ऐसे ही ईश्वर भक्त विरह की अग्नि में तड़पता है। इस दोहे का भावार्थ है कि इस साखी में कबीर साहब की वाणी है कि जो ईश्वर से प्रेम रखता है वह विरह की अग्नि में सदा ही दग्ध रहता है, उसे रात्रि को भी चैन नहीं मिलता है, वह वैसे ही तड़पता है जैसे जल के अभाव में मछली तड़पती है। जिनको ईश्वर की लगन नहीं लगी है, जो ईश्वर से अनुरक्त नहीं है, वे तो आराम से सोते हैं, लेकिन जिनको ईश्वर की लगन लगी हुई है वे हरि मिलन की आस में ऐसे तड़पते हैं जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। भाव है कि वे सदा ही बेचैन रहते हैं हरि मिलन की आस में। व्यक्ति को सिर्फ हरि की ही लगन लग जाती है, उसे कोई भी सांसारिक और भौतिक क्रिया से संबंध अच्छा नहीं लगता। चतुराई हरि ना मिले ए बाता की बात, एक निष्प्रेही निर्धार का गाहक गोपी नाथ। इस दोहे का शब्दार्थ है चतुराई हरि ना मिले मतलब चतुराई से हरि की प्राप्ति नहीं होती है, ए बाता की बात मतलब यह 100 बातों की एक बात है, एक निष्प्रेही निर्धार का मतलब ईश्वर तो बिना किसी लगाव के और निराधार के प्रति लगाव रखता है, गाहक गोपीनाथ मतलब इसके ग्राहक गोपीनाथ ही है। इस दोहे का भावार्थ है कबीर साहब की वाणी है कि किसी प्रकार की चतुराई करने से, यत्न करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ईश्वर की प्राप्ति तो सहज है, हृदय से ईश्वर की भक्ति करने पर स्वतः ही ईश्वर भक्ति को महत्व देता है।
यह कोई बाह्य वस्तु नहीं अपितु आंतरिक है। किसी भी प्रकार के भौतिक जतन से भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही 100 बातों की एक बात है। ईश्वर तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम स्थापित करता है जो बिना किसी आशा के और बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता है। सहज प्रेम से गोपीनाथ रिझते हैं। माया और भौतिक जगत से जिसका कोई लगाव नहीं है उसे ईश्वर अपना समझते हैं। निष्प्रह, निष्काम और निराश्रय को ईश्वर अपनाते हैं। भाव है कि ईश्वर नाम सुमिरन की मुक्ति का आधार है। कबीर हरि का भावता, दुरई थे दिसंत, तन सिणा मन उन्मना जग रुठड़ा फिरंत। इस दोहे का शब्दार्थ है कबीर हरि का भावता मतलब ईश्वर का प्रिय, दुरई थे दिसंत मतलब दूर से ही दिखाई दे जाता है, तन सिणा मन उन्मना मतलब उसका तन क्षीण होता है और मन उन्मना होता है मतलब संसार से विरक्त होता है, जग रुठड़ा फिरंत मतलब वह जग से रूठा हुआ प्रतीत होता है। इस दोहे का भावार्थ है कबीर साहब संत जन की पहचान बताते हैं कि संत जन और ईश्वर भक्त दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, उन्हें पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती है, उनका शरीर क्षीण और मन संसार से उचट चुका होता है, जगत से वे एक भांति से रूठे हुए होते हैं। मन का उन्मना होने से भाव है कि साधक का मन ऊर्ध्वमुखी होता है, जगत की बातों में वह ध्यान नहीं रखता है, वह जगत से निर्लिप्त रहता है, साधु अपने व्यवहार से अन्य लोगों से अलग ही रहता है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। इस दोहे का भावार्थ है ईश्वर और गुरु दोनों एक ही है, अंतर सिर्फ बाह्य आकार का है, मूल रूप से दोनों एक ही है। दो का भाव समाप्त करके जो शिष्य ईश्वर का सुमिरन करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अहम ही भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है और अहम की उत्पत्ति भी माया के कारण होती है। जब व्यक्ति माया से दूर होकर अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देता है तभी वह उस निराकार में समा पाता है। प्रेम गली अति सांकरी का भी यही भाव है। गुरु उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहाँ साधक और परम सत्ता का भेद समाप्त हो चुका होता है, लेकिन शिष्य को वे दो दिखाई देते हैं क्योंकि अभी उसे काफी वक्त यह समझने में लगने वाला है। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर कबीर साहब की वाणी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। भाव है कि गुरु और गोविंद एक ही है। गुरु का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वही है तो गोविंद से साक्षात्कार करवाता है। जब शिष्य गोविंद से मिलता है तो वह वस्तुतः गुरु से ही मिल रहा होता है क्योंकि गुरु और गोविंद एक ही है। यह भेद जब समाप्त होगा तब दो की भावना नष्ट हो जाएगी और अहम नष्ट हो जाएगा। इसी पर कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद ने आवई जिनका आदि न अंत। इस दोहे का भावार्थ है कि यह मानव का स्वभाव है कि वह दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों का मूल्यांकन करता है और मन ही मन उनके अवगुणों पर प्रसन्न होता है। वह स्वयं के बारे में कभी भी नहीं सोचता है, जिसका आदि क्या है और अंत क्या है कुछ पता ही नहीं रहता है। भाव है कि स्वयं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तभी जाकर इस जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा। कबीर साहब ने सदा ही जीव को चेताया है कि स्वयं का अवलोकन करो, स्वयं का विश्लेषण करो, तब जाकर माया जाल समझ में आने वाला है। कबीर हरी रस यों पिया, बाकी रही ने थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ी चाकी। इस दोहे का शब्दार्थ है कि
कबीर हरी रस यो पिया। इसमें हरी रस मतलब ईश्वर के नाम का सुमिरन। बाकी रही न थाकी, इसमें थाकी का मतलब है थकावट। पक्का कलश कुम्हार का मतलब पक्का घड़ा कुम्हार का। बहुरी ने चढ़ाई चाकी मतलब दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ेगा। चाकी वो होती है जिस पर घड़े को बनाया जाता है। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने हरि के नाम के रस का पान किया है और इतना रस पान किया है कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया है, पूर्णता को प्राप्त हो गया हूँ। जैसे पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, वैसे ही अब मुझे दोबारा इस जगत के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने चरम को प्राप्त कर लिया है। कबीर कहाँ गर्भियो काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारी सी कै घर कै परदेश। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी कहते हैं कि जीव को अपनी जवानी धन दौलत और कुल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल हर समय उसके सर पर मंडराता रहता है। काल ने जीव को उसके बालों से पकड़ रखा है, जीव काल के नियंत्रण में है। काल जीव को कभी भी अपना शिकार बना सकता है, भले ही वह अपने घर देश में हो या फिर परदेश में। काल कहीं भी जीव को अपना शिकार बना सकता है। भाव है कि यह जीवन नश्वर है, एक रोज समाप्त हो जाना है, और किस भांति और कहां इसका अंत होगा यह कहां नहीं जा सकता है। इसलिए जीव को घमंड नहीं करना चाहिए और हरि नाम का सुमिरन करना चाहिए। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और यह बार बार नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इस जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे वृक्ष का पत्ता टूटकर गिर जाता है और उसे ऐसा करने में कुछ खास वक्त नहीं लगता, और एक बार पत्ता टूटकर गिर जाए उसके बाद वह अपने वृक्ष पर नहीं लग सकता। भाव है कि यह जीवन क्षणिक है और कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए वक्त रहते हरि नाम का सुमिरन ही जीवन का आधार है। जीवन का समय सीमित है, इसलिए वक्त रहते सुमिरन का लाभ लेना चाहिए, अन्यथा अनमोल मानव जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा। सुमिरन की सुधि यो करो जो गागर पनिहारी, हाले डिले सुरती में कहे कबीर बिचारी। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी बताते हैं काल से यदि बचना है और भव सागर से यदि पार उतरना है तो भक्ति इस भांति करनी चाहिए जैसे पनिहारी गागर में पानी भरती है, पानी उसके पात्र में भरा हुआ होता है और उसका पूरा शरीर हिलता डुलता है, मतलब पानी को लेकर चलने पर पनिहारी का पूरा शरीर हिलता डुलता है, लेकिन उसका पानी जरा भी पात्र से बाहर नहीं छलकता है। भाव है कि जैसे पनिहारी का पूरा ध्यान अपने पानी पर रहता है, वैसे ही साधक को भक्ति में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए और माया से बचकर रहना चाहिए। खोद खाद धरती सह, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सह और से सहा न जाए। इस दोहे का भावार्थ है, धरती वन और साधु जन सहनशील होते हैं और वे दुर्भावना से प्रेरित नहीं होते। धरती से मनुष्य सदा लेने में ही लगा रहता है, जंगल काटता है, खेतों के लिए जमीन को खोदता है, धातु पत्थर के लिए धरती को आघात पहुंचाता है, और ऐसे ही जंगल भी सदा कटते रहते हैं। साधु भी ऐसे ही होते हैं, जो कुटिल और आघात पहुंचाने वाले वचनों को सुनकर कोई प्रति उत्तर नहीं देते हैं। आम जन के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। जब अहम का भाव समाप्त हो जाता है तब जीव को किसी के शब्दों और कृत्यों से आघात नहीं लगता है और वह सभी विषयों को ईश्वर को समर्पित कर देता है।
शब्द दुरिया न दुरे कहूँ जो ढोल बजाए, जो जन होवे जोहरी लेहे शीश चढ़ाए। कबीर साहब की वाणी है कि शब्द मतलब ईश्वर की महिमा किसी के दूर करने या छिपाने से नहीं छिप सकती है। जो शब्द के पारखी होते हैं मतलब जो जोहरी होते हैं, वे गुरु के वचनों को अपने शीश पर मतलब सर माथे पर धर लेते हैं। भाव है कि सत्य ही ईश्वर है, शब्द है, और ये शब्द किसी के छुपाने से छुप नहीं सकते। इनका महत्व समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह माया का भ्रम जाल है कि वह सत्य को धुंधला कर देती है और जीव को उससे दूर कर देती है, लेकिन सत्य सदा स्थायी रहता है, कोई माने या नहीं माने। मुख आवे सोई कहे बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव बांधी तरवार। इस दोहे में वाणी के महत्व को दर्शाया गया है। संत कबीर दास जी कहते हैं, मुख आवे सोई कहे बोले नहीं विचार, मतलब मुँह में जो आया उसी को ही बोल देते हैं, विचार नहीं करते। हते पराई आत्मा जीव बांधी तरवार, मतलब दूसरों की आत्मा की हत्या करते हैं, जैसे उन्होंने जीव पर तलवार को बांध रखा है। इस दोहे का भाव है, यही वाणी जहाँ ठेस पहुँचाती है वहीं पर सुख भी देती है। इसलिए बोलने से पूर्व विचार आवश्यक है। जो मुख में आ गया बगैर सोचे समझे उसे बोलने पर दूसरों की आत्मा की हत्या होती है। यह ऐसे ही है जैसे किसी ने अपनी जिह्वा पर तलवार को बांध लिया हो। जैसे कोयल कोको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों करी लेत। स्पष्ट है कि हमें सदा मधुर बोलकर लोगों के दिलों को जीतना चाहिए। अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नर नारी सब नरक है जबलक देह सकाम, कहे कबीर ते राम के जे सुमरे निह काम। इस दोहे का शब्दार्थ है, नर नारी सब नरक है मतलब नर और नारी सब नरक है, जबलक देह सकाम मतलब जब तक वे काम भावना से प्रेरित हैं, कहे कबीर ते राम के मतलब कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग राम के प्रिय हैं, जे सुमिरे निह काम मतलब जो निष्काम भाव से ईश्वर का सुमिरन करते हैं। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी कहते हैं कि इस जगत के सभी ऐसे नर और नारी नरक के समान हैं जो काम भावना से प्रेरित होकर रहते हैं। ऐसे लोग संसार में भक्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, विषय वासनाओं में लिप्त हैं। वे काम भावना से युक्त रहते हैं, लेकिन जो काम भावना से मुक्त हो जाते हैं, काम भावना का त्याग कर देते हैं, वे ही सच्चे राम भक्त होते हैं। अतः विषय वासनाओं से मुक्त होने के उपरांत हृदय से ईश्वर की भक्ति करने वाले ही सच्चे ईश्वर के भक्त होते हैं। चाल बकुल की चलत है बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल के फंस। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी बताते हैं कि मिथ्या और आडंबर करके झूठे दिखावे से कोई कार्य सार्थक नहीं होने वाला है। यदि चाल तो बगुले की है, आचरण में बगुले के गुण हैं, और यदि वह हंस होने का ढोंग करता है तो उसे मुक्ता मतलब मोती नहीं मिलने वाले हैं। मोती तो उसे ही मिलने वाले हैं जो सच्चा हंस है। भाव है कि भक्ति का दिखावा और आडंबर करने वाला भले ही अपने मन में प्रसन्न हो जाए, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसे सच्चे मन से गुरु के वचनों का अनुसरण करके सत्य की राह पर चलना होगा। माया के भ्रम जाल को समझकर उससे दूर रहना होगा, तभी जाकर वह ईश्वर की भक्ति रूपी मुक्ता फल को प्राप्त कर पाएगा। ऐसे ढोंगी और पाखंडी व्यक्ति को एक रोज काल अपना शिकार बना लेगा। इसी पर संत कबीर दास जी ने कहा है, चाल बकुल की चलत है बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल के फंस।
शब्द बिचारे पथ चले, ज्ञान गली दे पाँव, क्या रमता क्या बैठता, क्या ग्रह कांदला छाओ। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं, यदि शब्द पर विचार कर लिया, सत्य को समझ लिया और गुरु के बताए सतमार्ग पर चल पड़े, ज्ञान की गली में पांव दे दिया और आगे बढ़ चले, तो फिर वह जीव कहीं भी रहे, घर में, गुफा में या जंगल में या पेड़ों की छाव में, वह सदा ही समभाव से अपने उद्देश्य पर लगा रहता है, वह विचलित नहीं होता है। शब्द क्या है? शब्द है गुरु का बताया मार्ग, जो सत्य का मार्ग है और ईश्वर की ओर ले जाता है। यह मार्ग माया के मार्ग का खंडन करता है। यदि इस पर आगे बढ़ा जाए तो अन्य कोई भी द्विधा उसे विचलित नहीं कर पाती है। इसी पर संत कबीर दास जी ने कहा है, शब्द बिचारे पथ चले, ज्ञान गली दे पाँव, क्या रमता क्या बैठता, क्या ग्रह कांदला छाओ। कवि तो कोटि कोटि है, सिर के मुड़े कोट, मन के मुड़े देखी करी, तासंग लीजे ओट। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर दास जी कहते हैं, कविता बनाकर शब्दों को एक तय मात्रा और लय में बांध देने से व्यक्ति कवि जरूर कहला सकता है, लेकिन यदि उन शब्दों या विचारों को स्वयं के जीवन में नहीं उतारा तो उसकी कविता व्यर्थ ही होती है। ऐसे ही कई वेश बनाकर सर को मुंडाकर भक्ति का पाखंड करते हैं, लेकिन वे सत्य से कोसों दूर होते हैं। सर को मुंडाने से कोई लाभ नहीं होने वाला, अपितु मन को मुंडाना ही सार्थक है। मन को मुंडाने से अभिप्राय है कि लोभ, माया, रिश्ते नाते और जगत के आकर्षण को छोड़कर ईश्वर के सुमिरन में अपना जीवन व्यतीत करना ही इस जीवन का सार है, उद्देश्य है। इसी पर संत कबीर दास जी ने कहा है, कवि तो कोटि कोटि है, सिर के मुंडे कोट, मन के मुड़े देखी करी, तासंग लीजे ओट। बोली ठोली मस्करी, हंसी खेल हराम, मद माया और स्त्री नहीं संत के काम। इस दोहे में संत कबीर दास जी बताते हैं, माया जनित कामों में अपने जीवन को व्यर्थ ही समाप्त कर देना समझदारी का कार्य नहीं है। ठिठोली, हंसी मजाक और ऐसे ही व्यर्थ के कार्यों में अपने जीवन को जो जीव बर्बाद करता है, वह एक रोज पछताता है। ऐसे ही मद माया और स्त्री भी ईश्वर की भक्ति में बाधक है, क्योंकि ये जीव को संसार के जाल की ओर पुनः धकेलते हैं। इसे जितना शीघ्र समझ लिया जाए उतना ही फायदा है, अन्यथा एक रोज काल तो आना ही है। जीवन में किए गए कार्यों का हिसाब भी लिया जाना निश्चित ही है। इसी पर संत कबीर दास जी ने कहा है, बोली ठोली मस्करी, हंसी खेल हराम, मद माया और स्त्री नहीं संत के काम। भेष देख मत भूलिए, बुझी लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। इस दोहे का भावार्थ है, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग सिर्फ दिखावे को ही महत्व देते हैं, कौन कैसा है उसकी परख नहीं करते हैं। मात्र भगवा पहन लेने से, चिमटा तुम्बा हाथ में लेने से कोई संत नहीं बन जाता है। इसके लिए उसके ज्ञान की परीक्षा होनी चाहिए, क्या वह सच्चा साधु है। ढोंग का सहारा लेकर ही रावण माता सीता को हर ले गया था, अतः यह कसौटी हर व्यक्ति को करनी चाहिए कि कौन सच्चा है और किसने झूठा आडंबर रच रखा है। सोने की पहचान भी कसौटी पर ही होती है, अन्यथा पीतल और सोना देखने में एक जैसे लग सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में कबीर साहब की इस वाणी को देखें तो ईश्वर के नाम पर पाखंड और मिथ्या आचरण करने वाले बाबा रोज ही पकड़े जाते हैं। ये कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भ्रमित कर देते हैं? कारण है, लोग बगैर परखे एक दूसरे को देखकर अनुसरण करने लग जाते हैं, जिससे ऐसे ढोंगी बाबाओं की दुकानें चल पड़ती है।
हमें चाहिए कि किसी के आवरण पर नहीं बल्कि उसके गुणों और व्यक्तिगत जीवन का अनुसंधान करके ही उस पर यकीन किया जाना चाहिए। संत कबीर जी के इस दोहे में भक्ति का और प्रभु प्रेम का सार समाया हुआ है। पूरा दोहा इस प्रकार से है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जाम में दोने समाही। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीर ने अपनी इस वाणी में मनुष्य को समझाया है कि अगर कोई परमात्मा के प्रेम को पाना चाहता है तो उसको अपने अहंकार को छोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य ईश्वर को प्रेम भी कर ले और अपना अहंकार भी न छोड़े। दोनों में से किसी एक चीज को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि संत कबीर कहते हैं हरि के प्रेम की गली बहुत ही पतली है, जिसमें से केवल एक ही गुजर सकता है, दो नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण महाभारत के युद्ध से पहले देखने को मिलता है, जब प्रभु श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए सहायता प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के आगे चुनाव रखा कि एक तरफ तो वो अकेले होंगे बिना अस्त्र शस्त्र के और दूसरी तरफ उनकी सेना। तब अर्जुन के पास सबसे पहले चुनाव का मौका आया कि वह क्या चुनता है, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना क्योंकि उसको उनसे प्रेम था, जबकि दुर्योधन ने उनकी सेना को चुना। और आप सब जानते हैं कि अंत में विजय अर्जुन की होती है और दुर्योधन को पराजय मिलती है। अर्जुन को विजय इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने अहंकार को महत्व नहीं दिया बल्कि प्रभु पर अपने जीवन को छोड़ा, इसलिए उसे प्रभु श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम भी अपनी मैं यानी अहंकार को महत्व नहीं देंगे और भक्ति मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हमें भी परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाएगा।